स्पोर्ट्स डे विभाग की तरफ से आज शहर में त्यौहार को देखते हुए जो है रूटीन छापेमारी की गई। इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने जो है पारस रेस्टोरेंट से दो सैंपल लिए गए। जो सैंपल थे, एक तो पकौड़ा चटनी और दूसरा खोया पिस्ता बर्फी। उसके बाद हमने दूसरी दुकान को चेक किया तो उस दुकान के सामने हमने ये फास्ट फूड का जो एक मैन्युफैक्चर मिला है जहाँ पर बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन है। यहाँ से हमने फिंगर फ्राई एंड सॉस का सैंपल लिया गया। इन सभी सैंपलों को हम जांच के लिए लैब में भेजेंगे और उसके बाद रिपोर्ट आने पर नियम अनुसार है। दीपावली पर लगातार छापे जारी रहेंगे। बिल्कुल सर, दीपावली पर क्योंकि मिलावट की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए जब तक दिवाली के टाइम डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होता है इसलिए कंटिन्यू सप्लाई जा रही है। एक जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश में ये देना चाहूँगा कि जो ही कभी भी किसी को ऐसा लगे कि इस स्थान पर जो है अडल्ट्रेशन हो रही है तो वो डिपार्टमेंट को जो है सूचना दे ताकि हम वहाँ पर कार्रवाई कर सके और मिलावटखोरों में डिपार्टमेंट का और सरकार का बेहतर। डॉक्टर साहब, कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह से है कोई भी कि जो लोग आसानी से आपको पहुँच सके या आसानी से आपके पास शिकायत दर्ज करा सके? सर, कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, पर हम हेल्पलाइन नंबर जारी भी कर सकते हैं। बाकी हमारा डिपार्टमेंट की जो मेल आईडी है उस मेल आईडी में, जैसे मेरी मेल आईडी है हमारे डिपार्टमेंट की fso@gmail.com, वहाँ पर आप भेज सकते हो। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट में आके जो है आप वहाँ पर रिटर्न में शिकायत कर सकते हो। बाकी शुक्रिया।